नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में व्याकरण विषय। और देखिए, व्याकरण विषय में हम पढ़ रहे थे नदी शब्द के रूप पढ़ रहे थे विद्यार्थियों। किसके पढ़ रहे थे? नदी के। और देखिए, सुबंध प्रकरण पढ़ रहे हैं आप। और ये विद्यार्थियों जो सुबंध प्रकरण है, देखिए आप नदी के रूपों में, जैसे ये नदी है, ये चतुर्थी का रूप है, इसको जब आप सिद्ध करेंगे विद्यार्थियों तो क्या होगा? देखिए, आप क्या करेंगे, जैसे नदी है, नदी से क्या ले आएंगे? गे प्रत्यय ले आएंगे। और ये जो प्रत्यय है वह द्वि एकयोः और द्विवचनी एकवचनी सूत्र से आ जाएगा। फिर इसके आप इस गा का लोप कर लेंगे और ये हो जाएगा ए। और सूत्र इसमें लगा देंगे आप लसत्व तद्धिते से, क्या होगा? इस गा का लोप हो जाएगा इस संज्ञा होके। और फिर क्या करेंगे, फिर देखिए ये जो नदी है, नदी की आप नदी संज्ञा कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा यू स्त्रियाख्यो नदी सूत्र से नदी की नदी संज्ञा। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इस वो आठ का आगम आ जाएगा और सूत्र लग जाएगा आपका आठ नद्या। ये सूत्र है और इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इस गिंत प्रत्यय को आठ का आगम हो जाएगा। और फिर देखिए स्टा का लोप कर लेंगे आप, नदी प्लस आ प्लस ए और सूत्र लगा देंगे आप अनंत्यम सूत्र से आठ के टकार की संज्ञा। और आठ के टकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप। ठीक है, अब इसमें वृद्धि कर लेंगे आप, ये आ और ए में वृद्धि हो जाएगी और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आई और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आठ सूत्र से
को वृद्धि एकादेश और इसके बाद क्या इको एंट्री से इसको हो जाएगा नद्यई और सूत्र लगा देंगे आप इको एंट्री से यण करने पर रूप सिद्ध एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थी इसका अब देखिए एक सूत्र है आठ नद्या इसको लिखेंगे ये सूत्र है इसका क्या अर्थ है नद्यंत शब्दों से परे नद्यंत शब्दों से परे प्रत्ययों को आठ का आगम हो जाता है अब देखिए इसी प्रकार से आपकी ये सिद्धि होगी नद्या देखिए नदी प्लस अस ये दसी का विद्यार्थी हो तो आप क्या करेंगे आठ ले आएंगे और सूत्र लग जाएगा सूत्र से गांसी को आठ आगम गेंत गसी को आठ आगम और फिर देखिए इसका लोप कर देंगे आप तो ये देखिए ये तो उदाहरण हो गया आपका और इसके बाद आप क्या करेंगे नदी प्लस आस हो जाएगा ये कोई वृद्धि हो जाएगी दीर्घ हो जाएगा विद्यार्थियों वृद्धि भी हो जाएगी और इसके बाद इसको इको एनर्जी से नद्यास हो जाएगा सूत्र लग जाएगा इको एनर्जी और जब आप विसर्ग कर लेंगे तो ये नद्या ये पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन दोनों में नद्या शब्द सिद्ध होगा विद्यार्थी
और देखिए जैसे एक शब्द रूप है नत्योह, ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है विद्यार्थियों, तो आप इसमें क्या करेंगे, नदी प्लस कोश है ये, फिर क्या करेंगे आप इकोई अर्ची से ये स्थिति आ जाएगी, इस एक को यण हो जाए विद्यार्थियों, आप लिख देंगे एक को यण की सूत्र से, एक को यण करने पर और अधीनम से इसको कर लेंगे नद्योस, और ये परिभाषा लग जाएगी अधीनम परेण संयोजन से संयोग करने पर और देखिए फिर आपको जो मैंने प्रक्रिया बताई है उनका तो विसर्ग से इसको विसर्ग कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका नद्योस। इसी प्रकार से देखिए नदी नाम है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप नदी प्लस आम ले आएंगे फिर यहां नट का आरंभ हो जाएगा, ये जो नुट है इसके जब अनुबंधों का लोप कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका नदी नाम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए विद्यार्थियों एक है नद्यां शब्द है, अब इसमें आपको क्या करना है कि नदी शब्द है, नदी शब्द है तो देखिए नदी से आप क्या करेंगे घी ले आएंगे पहले, और ये आ जाएगा द्वेकयो द्विवचने एकवचने सूत्र से, फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों नदी प्लस आम ले आएंगे, जैसे आप रामायण में लाए हैं उसी प्रकार से रामायण जो सिद्धि होती है उसमें सूत्र है गे राम नह वाला, फिर उसके बाद क्या है देखिए रमा की सप्तमी विभक्ति में जिस प्रकार से लाए हैं उसी प्रकार से इसमें लाना है, और फिर देखिए नदी प्लस आठ प्लस आम ये स्थिति हो जाएगी, आप इसके टा का लोप कर देंगे, एक सूत्र है ये आपने पढ़ा है ये वाला, सॉरी ये वाला भी आपने पढ़ा था, इस सूत्र से आठ आ जाएगा और फिर आठ के उसका लोप कर देंगे ताका और सूत्र लग जाएंगे विद्यार्थियों हलंत्यम
देखिए हलंत्यम और तस्य लोपः से इसका लोप हो जाएगा, आप लिखेंगे हलंत्यम से आठ के टकार की संज्ञा और तस्य लोपः से लोप, और देखिए ये आठ अष्ट से हो जाएगी वृद्धि और ये हो जाएगा आपका आम, और सूत्र हो जाएगा आठ अष्ट से वृद्धि करने पर और उसके बाद है आप इसमें कोई अंची कर देंगे तो ये बन जाएगा लंध्य और आम है ही, और आप लिख देंगे इको यणची से यण और उसके बाद अधीनम परेण संयोजन से ऐसे हो जाएगा, ये परिभाषा हो जाएगी आपकी अधीनम परेण संयोजन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, Thank you.
देखिए एक सूत्र है, अम्बार नद्योर ह्रस्व, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, इसका अर्थ है अम्बार्थ तथा नद्यंत, अम्बार्थ तथा नद्यंत अंगों को अम्बार तथा नद्यंत अंगों को संबुद्धि परे रहते, ह्रस्व आदेश हो जाता है। देखिए जैसे आप सिद्धि करते हैं ये वाली सिद्धि करेंगे जब ये काम आता है जाते हो। देखिए जैसे आप लिखेंगे ही नदी प्लस सूखा सा हो जाए विद्यार्थी, आप लिखेंगे इस स्थिति में और फिर इसको ह्रस्व कर लेंगे, और सूत्र लग जाएगा अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, सूत्र से नदी शब्द को ह्रस्व आदेश, और देखिए इस सा का लोप कर लेंगे आप, सूत्र एक ह्रस्व संबोध्य से एक सूत्र लग जाएगा सूत्र है एक ह्रस्वात् संबुद्धेय, सूत्र से संबुद्धि सम्यक सकार का लोप ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और जो व्याकरण की किताब है मार्केट में आ रही है विद्यार्थियों, व्याकरण की किताब खरीद लें और उसमें से इन सिद्धियों को पूरी करें अच्छी तरह से।
देखिए विद्यार्थियों, ज्ञान शब्द के रूप में तो इसके देखिए छह विभक्तियों में रूप हैं, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी। फिर उसके बाद है देखिए द्वितीया में भी यही है, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी। तीसरा है ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैः। ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैः, ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः। ज्ञानस्य, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः। फिर देखिए ज्ञाने, ज्ञानयोः, ज्ञानेषु, ज्ञाने, ज्ञानयोः, ज्ञानेषु। और फिर लिखेंगे हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानी। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।